हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का मिक्सचर है। यानी एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज किया है पर एक प्रॉम्प्ट बॉक्स बनाने की कोशिश की है मैंने। यहां पर ये फंक्शन यूज किया है और यहां पर लिखा हुआ है ट्राई इट। यहां पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लाइक यहां पर इसको हटा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं क्लिक हियर, ये लिख दिया मैंने। और जैसे ही ये क्लिक हियर लिखेंगे और यहां से इसको सेव करता हूं, तो सेव करते वक्त आपको पता ही है एक्सटेंशन क्या देना है। एक्सटेंशन आपको .html रखना है क्योंकि हम बना रहे हैं html पर ही, ठीक है। हम कोडिंग html की कर रहे हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको इनबिल्ट कर रहे हैं, तो यहां पे आपको .html लगा दीजिए, नाम कोई भी दे दीजिए, .html लगाना मत भूलिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। और यहां पर आ जाइए डेस्कटॉप पे, इसको सेव कर लेता हूं मैं, तो ये डेस्कटॉप पे जाकर इसको सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। hs के नाम से पहले से सेव है, तो यहां पर चेंज कर देता हूं नाम, यहां पे कुछ HHL कर देता हूं और बस इसको सेव कर दिया। अब चलते हैं डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। तो ये डबल क्लिक किया इस पे और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हियर। तो जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखिए यहां पर जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो यहां पे लिखा हुआ आ रहा है आई एम सूरज कुमार तिवारी फ्रॉम देवरिया, जो मैंने लिखा था बिल्कुल वही, ठीक है। तो यहां पे इसको प्रॉम्प्ट बॉक्स बोलते हैं और इस तरह के और भी प्रॉम्प्ट बॉक्स आसानी से यह बन जाएगा। ये फंक्शन आपको यूज करना है, ये देख रहे हैं बटन आपको जो बनाना है उसमें यही फंक्शन आपको यूज करना है, ठीक है। और स्क्रिप्ट के अंदर इसको ऐसे करके लिख देना है और आपका ये चल जाएगा प्रोग्राम। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।